हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। ये विधारा इलेक्ट्रिक करंट हमने पिछले क्लासेस में भी किया था, आज हम इसका दूसरा लेक्चर लेकर के आ गए हैं, पार्ट टू, लेक्चर टू आ गए हैं लेकर के। यहाँ पर आज हम आप लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ठीक है दोस्तों। तो ओम का नियम क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओम का नियम बहुत ही सरल लैंग्वेज में, कोई भी धारावाही चालक तार, कोई भी धारावाही चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके बीच का विभवांतर जो होता है, दो सिरों के बीच का विभवांतर, अगर सिरा ए है और सिरा बी है, ये दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है ये इसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है दोस्तों। तो ओम का नियम हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके दोनों विभवों के बीच के अंतर विभवांतर के समानुपाती होता है, उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ ओम का नियम क्या कहेंगे कि अगर किसी भी चालक से के ताप में परिवर्तन ना हो, किसी भी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ये क्या बोलते हैं, जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहा जाता है, और यही है संबंध। तो यहाँ से अगर समानुपाती का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो एक हमारा यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट, वो होता है आर, जहाँ जहाँ आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रतिरोध है कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। आर एक नियतांक है, आप यहाँ इसको आर से सूचित कर सकते हैं। तो ये आगे चल करके हो जाता है भी बराबर आई आर, ये आपका भी बराबर आई आर हो जाता है, आर प्रतिरोध है। अब एक नया वर्ड आया है हमारे पास, प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चालक जो होता है, ये तार है, ये चालक तार है, ये तार है, तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा को प्रवाह को विरोध करता है, ये गुण होता है चालक का। तो वो जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है जो विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोधकों को है ना आर से सूचित करते हैं, इसे रजिस्टर कहते हैं। अब ये प्रतिरोध आपका आ गया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसे ग्रीक शब्द से सूचित किया जाता है, ये आपका ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है दोस्तों। अब हम इसके आगे चलते हैं तो एक हमारे पास बात आता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम आया है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आर बराबर हमारा होता है भी बटा आई, भी का मात्रक होता है एसआई मात्रक वोल्ट और आई का होता है एम्पियर, और इसका हमारा हुआ ओम। तो एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, मतलब एक ओम बराबर हो गया एक वोल्ट पर एम्पियर, एक वोल्ट पर एम्पियर। अब आपको ये हो गया, यहाँ से आएगा कि एक ओम को परिभाषित करें तो आप कहेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर एक वोल्ट हो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर एक वोल्ट हो, लगाने पर एक एम्पियर का धारा, कितने का, एक एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, तब उस चालक का प्रतिरोध एक ओम कहा जाएगा दोस्तों। यही है आपका एक ओम।
अब यह आ गया ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रा। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि जो चालक होता है उसमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोध होता है जिसे वह क्या बोलते हैं कि उसका आपका जो होता है वो आस पास करने में ये होता है। तो प्रतिरोध जो होता है आपका, प्रतिरोध जो होता है आपका चालक का जो प्रतिरोध होता है, कहता है प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक में आपको लिखना है कि तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई पर प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है। और दूसरा लिखना है तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो होता है तो 1/ एरिया के समानुपाती होता है। एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। कहने का तात्पर्य यह है मोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा, पतला तार में प्रतिरोध ज्यादा होता है, तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा और तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। इस तरह से प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, और भी होता है ताप पर भी निर्भर करता है, ताप जब बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप पर भी निर्भर करता है दोस्तों, ताप पर भी निर्भर करता है। यहाँ से अगर हम लोग इसको अगर एक साथ ले लें तो आपका आर बराबर हो जाएगा एल बटा ए। ये अगर समानुपाती का साइन हटाते हैं, समानुपाती के साइन हटाते हैं तो हमारा यहाँ से आ जाता है आर बराबर रो एल ए। ये हमारा, इसी को अगर हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, इसको हम लोग कहते हैं बाबू आराम से प्रतिरोधकता, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, सॉरी ये तो हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकता हमारा ये आता है जहाँ पर रो, इसे रो से सूचित करते हैं, ये रो से सूचित करते हैं, रो हमारा क्या होता है प्रतिरोधकता होता है। रो को निकालेंगे कैसे, रो को निकालेंगे ऐसे कि यहाँ से अगर चलेंगे तो होगा आर गुणे ए अपॉन एल, यही हमारा है प्रतिरोधकता, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, यही हमारा है रेजिस्टिविटी दोस्तों, इसको कहेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है, प्रतिरोधकता है। अब कहता है यहाँ से पूछेगा आपका कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा ज्ञात करें, एसआई यूनिट निकालना है इसका, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, रो का एसआई यूनिट निकालने के लिए आर का एसआई यूनिट इंटू ए का इंटू एल का, आर का होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर, मीटर से मीटर उड़ गया तो हो गया ओम मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हुआ, एसआई यूनिट क्या हुआ है आपका रो का, ठीक है, रो का एसआई यूनिट आपका हो गया ओम मीटर, ओम मीटर, इसका हो गया ओम मीटर, है ना, ओम मीटर, ओम मीटर आपका आ गया, ठीक है, ओम मीटर, ये आपका होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा, ठीक है, ये आपका होता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया ओम का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोध को दो तरह से समूहन किया जाता है, आप सभी को पता है श्रेणी क्रम, श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन का समतुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इसका समतुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या बोलते हैं विद्युत ऊर्जा शक्ति के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, मुकुल सर लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों में इस चैनल को पहुँचाएँ। मैं आपको सरल भाषा में और बहुत आसान तरीके से एक एक चीज़ इतना अच्छे से बताने वाला हूँ कि इस साल एग्जाम में आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। आज हम एक चर्चा करेंगे बहुत जल्द कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम में 95% मार्क्स लाएंगे, कैसे हम लोग एग्जाम में 95% मार्क्स लाएंगे, और
नहीं तो कल हम सुबह में 8 बजे लाइव जुड़ेंगे फिर यूट्यूब से, आप सभी जुड़िएगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।